नमस्कार। हम लोग आज ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज का प्रूफ देखेंगे साइन और कोसाइन के लिए। इसको अभी डिस्कस करने के पीछे एक ही मोटिव है कि जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं थ्रू लिमिट ऑफ सम, जो कि क्लास 12th में है, तो उसमें जो बेसिक इंटीग्रल्स हैं एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ये सब तो हो जाता है, लेकिन जब हम साइन और कॉस का इंटीग्रेशन करते हैं विद इन सम लिमिट्स, तो इसका यूज पड़ता है। हालांकि उसमें हम बहुत कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन नहीं करते, क्योंकि कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के लिए हम टेक्निक्स यूज कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज और बाकी टेक्निक्स। लेकिन अगर सिंपल इंटीग्रेशन भी करना है, जैसे साइन एक्स फ्रॉम 2 to 3, तो उसमें भी आपको इन फॉर्मूलाज का यूज करना पड़ेगा। आज हम प्रूफ करेंगे साइन वाला फॉर्मूला, और सिमिलर प्रूफ है कॉस वाले के लिए, जो कि हम आज प्रूफ नहीं करेंगे। आप करके देख सकते हैं, रिजल्ट भी सिमिलर ही दिख रहा होगा आपको, क्योंकि पहला जो फ्रैक्शन है वो तो सेम ही है। यहाँ पे साइन की जगह कॉस है, तो अगर साइन वाला फॉर्मूला है तो यहाँ साइन आ रहा है, कॉस वाले में कॉस आ रहा है। ठीक है, फॉर्मूला याद करना भी आसान है। ऊपर बीटा बाई टू के साथ एन आ रहा है, साइन एन बीटा बाई टू बाई बीटा बाई टू, और ये टर्म दोनों में कॉमन ही है, और साइन है तो साइन आएगा, और ये एपी के तरह है, अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाई टू। ठीक है, हर जगह बीटा बाई टू ही आ रहा है। ठीक है, चलिए तो आप प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ का पहला स्टेप ही थोड़ा डिफरेंट है, बाकी तो आप फ्लो आ जाएगा, तो बेसिक ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूलाज याद होने चाहिए वैसे तो। अगर बहुत दिनों से आपने ट्रिगोनोमेट्री नहीं किया तो हो सकता है दिक्कत हो, क्योंकि फॉर्मूलाज को फिर से कहीं ना कहीं स्क्रैच से हमें देखना होगा। तो ये हमें अगर प्रूफ करना है तो क्या कर सकते हैं, हम LHS से स्टार्ट कर सकते हैं। LHS में हमारे पास है साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, सो ऑन, साइन अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा। हम क्या करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं नीचे साइन बीटा बाई टू, हम ऊपर नीचे 2 times साइन बीटा बाई टू से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 times साइन बीटा बाई टू। ठीक है, अंदर तो वही रहेगा, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा एंड सो ऑन, साइन अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा। देखो थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखना होगा, क्योंकि लिखना पड़ता है हर स्टेप में। अगर उतना पेशेंस रखे और बेसिक्स क्लियर है तो डेरिवेशन ज़्यादा डिफिकल्ट है। डेरिवेशन में एक ही डिफिकल्ट स्टेप था कि ये चेन इनिशियलाइज करना और ये 2 times साइन बीटा बाई टू से मल्टीप्लाई करना, अदरवाइज आप देखो क्या होने वाला है आगे। देखो नीचे डिनोमिनेटर में वो तो डेरिवेशन में भी दिख रहा है आउटपुट में, तो उसको नहीं छुएंगे अभी, इस वाले टर्म को अंदर ले जाते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा हमारे पास, देखो 1/2 times साइन बीटा बाई टू तो ऐसे ही रहेगा, अंदर इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 times साइन अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो गया साइन बीटा बाई टू, 2 times साइन अल्फा प्लस बीटा के साथ मल्टीप्लाई हो गया साइन बीटा बाई टू, 2 times साइन अल्फा प्लस 2 बीटा के साथ मल्टीप्लाई हो गया साइन बीटा बाई टू, प्लस सो ऑन। यहाँ पे हमारे पास चलता रहेगा, लास्ट में भी 2 times साइन अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा के साथ मल्टीप्लाई किया हो जाएगा साइन बीटा बाई, ये पूरा चीज है। अब अगर ध्यान से देखिए तो 2 sin a sin b, ये कौन सा फॉर्मूला था,
कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, अगर आप याद करें ध्यान से, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इज टू साइन ए साइन बी। कंफ्यूजन है तो थोड़ा सा इसमें बैक जाते हैं, आप स्किप कर सकते हैं इसे अगर आपको क्लियर है। तो कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अगर साइन ए साइन बी को जिंदा रखना है तो इसे सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो ये तो चले ही आएगा, तो हमें क्या मिलेगा, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ये मिलेगा माइनस कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, हमें क्या मिलेगा माइनस टू टाइम्स साइन ए साइन बी। इसी में अगर आप माइनस साइन को उधर मल्टीप्लाई कर दे तो ये बदल जाएगा, कॉस ए माइनस बी के साथ प्लस साइन आ जाएगा और कॉस ए प्लस बी के साथ माइनस साइन, तो यहाँ से आप ये डेराइव कर सकते हैं। ठीक है, एक ही स्टेप तो है वहाँ, माइनस साइन को इधर उधर करना। तो हमें क्या पता चला कि अच्छा, टू साइन ए साइन बी को हम कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे अब, तो ये बाहर तो ऐसा ही है, वन अपॉन टू साइन बीटा बाई टू, अंदर टू साइन ए साइन बी को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, ये एक टर्म हुआ, मतलब एक टर्म दो टर्म में कन्वर्ट हुआ। अब फिर से वही काम इधर भी, कॉस ए माइनस बी, अब अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा बाई टू, अल्फा तो आएगा ही, बीटा माइनस बीटा बाई टू को हम बीटा बाई टू लिख सकते हैं। ये तो हो गया ए माइनस बी वाला टर्म, माइनस कॉस ए प्लस बी, अल्फा तो आएगा ही, बीटा प्लस बीटा बाई टू विल बिकम थ्री बीटा बाई टू। ठीक है, और क्या करें, और आगे बढ़े या इसी में लिख दें, चलो बढ़ जाते हैं, हमारे पास तो इनर स्पेस है। तो अब ये हमने दो टर्म को किया ना, अब तीसरे टर्म पे आते हैं, उसमें भी वही काम, कॉस ए माइनस बी दैट मीन्स अल्फा तो है ही, अब टू बीटा माइनस बीटा बाई टू कितना होगा, टू बीटा माइनस बीटा बाई टू, फोर बीटा माइनस बीटा बाई टू हो जाएगा ये, ठीक है, जिस थ्री बीटा बाई टू, क्लियर है। माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का मतलब अल्फा प्लस टू बीटा प्लस बीटा बाई टू, दैट मीन्स फोर बीटा प्लस बीटा फाइव बीटा, ज्यादा भी लंबा लिखने की जरूरत नहीं है वरना नीचे नहीं दिखेगा। ठीक है, वरना ऐसा भी कर सकते हैं कि इसे हम उठा के नीचे ही ले जाते हैं, वरना फिर आगे दिक्कत ना हो जाए। ब्रैकेट को थोड़ा सा बड़ा कर, अच्छा ये हो गया, हम लोग कहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं, छः टर्म हो गया, दैट मीन्स इसे सॉल्व कर लिया, क्या कर लिया हमने, इसे भी सॉल्व कर लिया, इसे भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, अच्छा ऐसे चलते रहेगा, लास्ट टर्म में क्या आएगा, देखो कॉस के अंदर पहला एंगल कॉस ए माइनस बी होता है ना, तो कॉस अल्फा, अब माइनस बी होगा तो
दैट मीन्स कि ये पूरा अल्फा है, ये पूरा पहला एंगल है ना, यहाँ पे तो सिर्फ अल्फा अल्फा चल रहा था, यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ नहीं, यहाँ भी ये पहला एंगल था, ये दूसरा एंगल था, तो ये पहला एंगल, ये दूसरा एंगल, तो ए माइनस बी दैट मीन्स अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा माइनस बीटा बाई टू माइनस कॉस ए प्लस बी दैट मीन्स अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा प्लस बीटा बाई टू, ये हो गया। ठीक है, इतना हो गया, थोड़ा सा कचरा तो दिखेगा ही अब इतना ज्यादा टर्म, लेकिन कचरा अब अगले स्टेप्स में साफ होगा। ठीक है, कि हमें पहुंचना तो है तीन टर्म पे ही, तो अब क्या करें हम, देखो अल्फा माइनस बीटा बाई टू तो ऐसे ही रह गया, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू जो कि दूसरा टर्म है वो माइनस में है, वो कैंसिल हो जा रहा है, दैट मीन्स कि सेकेंड टर्म is getting cancelled with the first term. अगर इसे एक माने तो इसका दूसरा टर्म इस वाले के पहले टर्म के साथ कैंसिल हो रहा है, सेम वे ये वाला देखो जो कि सेकेंड टर्म था ये कैंसिल हो रहा है अगले के फर्स्ट टर्म के साथ, सेम वे ये कैंसिल होगा अगले के फर्स्ट टर्म के साथ। ठीक है, और इससे पिछला वाला कैंसिल कर देगा, इसके पिछले वाले का लास्ट दूसरा टर्म कैंसिल कर देगा इसके फर्स्ट टर्म को, तो बच जाएगा हमारे पास पहला टर्म ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकेंड टर्म ऑफ लास्ट ब्रैकेट, तो वी विल बी लेफ्ट विद क्या बचेगा हमारे पास, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू माइनस कॉस अल्फा, अब देखो इसमें प्लस एन माइनस वन बीटा प्लस बीटा वन। ठीक है, अगेन एक मुसीबत आ गया कि कॉस सी माइनस कॉस डी जैसा कुछ दिख रहा है हमें, अब फिर से cos c माइनस cos d का फॉर्मूला याद होना चाहिए वरना फिर डिफिकल्ट हो जाएगा, मैं अगर चाहूँ भी तो डेराइव कर सकता हूँ उसे, cos c माइनस cos d इज माइनस टू टाइम्स sin c प्लस d बाई टू sin c माइनस d बाई टू। ठीक है, कुछ लोग अगर माइनस नहीं लिखते हैं तो ये माइनस चले जाता है इस साइन के अंदर, तो ये डी माइनस सी बाई टू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि साइन माइनस थीटा जो माइनस साइन थीटा है वहीं से मैंने माइनस बाहर लिख दिया, इसको अगर अंदर ले जाए तो साइन के अंदर माइनस थीटा लिखना होगा। ठीक है, ये भी फॉर्मूला है, क्या करना है, माइनस टू टाइम्स साइन के अंदर सम बाई टू डिफरेंस। ठीक है, तो माइनस टू मैं बाहर ही लिख देता हूं, साइन के अंदर इनका सम बाई टू, दैट मीन्स अल्फा माइनस बीटा बाई टू प्लस अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा प्लस बीटा बाई टू, ये पूरा डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, cos c minus cos d is minus 2 sin c plus d by 2 and sin c minus d by 2. That means यहाँ क्या आएगा, minus alpha minus n minus 1 beta फॉर्मूलाज ही लगा रहा हूँ, वो कचरा बन रहा है वो तो उसका हम कुछ कर नहीं सकते। अब देखो
अल्फा अल्फा टू अल्फा बन जाएगा, अल्फा अल्फा इसमें कैंसिल हो जाएगा, तो मोर ओवर इसको भी हम कैंसिल कर सकते हैं अगर चाहे तो, ठीक है। तो माइनस वन अपॉन साइन बीटा बाई टू, अब क्या करें साइन टू अल्फा, बीटा वाले टर्म्स को कलेक्ट करते हैं, तो बीटा बाई टू अगर मैं करूं तो माइनस वन ठीक है, और बीटा बाई टू, अच्छा बीटा बाई टू ये तो कैंसिल ही हो रहा है ना, ठीक है ये तो कैंसिल ही हो रहा है, तो उसको तो कॉमन लेने का कोई मतलब नहीं होता, ये वाला कैंसिल हो रहा है। यहां पे देखो अल्फा तो हमने टू अल्फा कर लिया, ये n माइनस वन बीटा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है बस इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं, डिवाइडेड बाई टू है। यहाँ पे साइन देखो माइनस बीटा बाई टू माइनस बीटा बाई टू, तो माइनस टू बीटा बाई टू, और यहाँ पे माइनस ऑफ n माइनस वन बीटा, and this is being divided by, ये वाला जो माइनस वन है ना इसको मैं चाहूँ आप तो इस साइन के अंदर ले जा सकता हूँ, क्या आपको पता होना चाहिए ना, ये तो बेसिक है कि साइन माइनस साइन थीटा अगर लिखा हुआ है तो मैं उसको साइन ऑफ माइनस थीटा भी तो लिख सकता हूँ, ये माइनस इसके अंदर जा सकता है, अदर वे राउंड भी सही है, तो ये अंदर जाएगा, तो इसमें माइनस कॉमन ले तो बीटा प्लस एन माइनस वन बीटा, तो माइनस साइन तो हट ही आएगा अगले स्टेप में, तो वन अपॉन साइन बीटा बाई टू क्या बचेगा साइन, अब यहां पे देखें अगर तो टू अल्फा बाय अल्फा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाई टू, ठीक है, और साइन बीटा ये सब कुछ अब प्लस है तो प्लस एन बीटा, देखो जब माइनस साइन अंदर गया होगा ये वाला, तो ये साइन माइनस मतलब जो माइनस था वो हट गया होगा इस फॉर्मूले के मदद से, ठीक है, तो ये अंदर क्या बचा होगा उसके बाद साइन बीटा प्लस एन माइनस वन बीटा, ठीक है ऐसा कुछ बचा होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन बीटा प्लस एन बीटा माइनस बीटा, ठीक है, तो ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली साइन एन बीटा बचेगा, उसी को मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, साइन एन बीटा और डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। अब यही साइन एन बीटा बाई टू को हम मैं बाहर लिख सकता हूं, डिनोमिनेटर में साइन बीटा बाई टू, और साइन का सम था इसलिए यहां साइन आया है, यही प्रूव करना था हमें, ठीक है। तो देखो कॉस वाला होगा तो ये टर्म अगेन सेम होगा, ये वाला जो टर्म है कॉस वाले में भी सेम होगा, बस यहाँ पे कॉस आएगा कॉस वाले में, ठीक है। तो आई होप वो आप डेरिवेशन कर सकते हैं या फिर इसको एज इट इज मान के याद रख सकते हैं, ठीक है, डेराइव नहीं भी करें तो चलेगा, इसका एप्लीकेशन ट्रिगोनोमेट्री में तो है ही, बट मैंने इसे अभी इसीलिए किया क्योंकि हम जो लिमिट ऑफ अ सम का प्रॉब्लम करेंगे उसमें एप्लीकेशन ढूंढ रहे हैं फिलहाल, तो उसके लिए मैं वहाँ पे बोलूँगा कि ये आपने ऑलरेडी कर चुके हैं आप, फॉर्मूला याद करिए, इससे अच्छा थोड़ा सा रिफ्रेशर करने के लिए कि हाँ इसको हम यूज़ कर पाए, तो साइन में कुछ ऐसा होगा। तो अब इसमें ध्यान रखने वाले की बात है कि ये एपी में इनके एंगल्स देखो, अल्फा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस टू बीटा, अल्फा प्लस थ्री बीटा,
देख रहे हो बीटा ऐड हो रहा है अल्फा बिंग द फर्स्ट टर्म, तो ये एपी में पहला चीज ये याद रखना। और कितने टर्म्स है स्टार्टिंग फ्रॉम बीटा एंड गोइंग टिल एन माइनस वन बीटा, तो यहां से तो एन माइनस वन टर्म्स है, एक एक्स्ट्रा टर्म फर्स्ट में है, तो एन टर्म्स है टोटल। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो सिमिलर फैशन में कॉस का भी आप रिजल्ट देख सकते हैं, मैंने बता ही दिया कि साइन एन बीटा बाई टू बाई साइन बीटा बाई टू तो है ही, कॉस के साथ यहाँ अगर कॉस का सीरीज है तो यहाँ कॉस आएगा, साइन का सीरीज है तो यहाँ साइन आएगा। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, डेरिवेशन भी क्लियर हो गया होगा, कुछ खास नहीं था, यही स्टेप इंपॉर्टेंट था कि टू साइन बीटा बाई टू बाई टू साइन बीटा बाई टू से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और ऊपर वाले को अंदर भेज दिया, उसके बाद तो बस अंदर लड़ाई चालू हो गया और लास्ट में हमें जो प्रूफ करना था वो मिल गया। तीन चार स्टेप बोल सकते हैं, पांच छह स्टेप ही है और वो स्टेप्स लंबे लंबे हैं, इसलिए आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल इसमें हो सकता था सोचना, अगर आपने खुद से सोचा होता, मैंने भी खुद से नहीं सोचा ये स्टेप, अदरवाइज तो ठीक ही है, फॉर्मूला याद रखना है।